आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ की तालीम कैसी है? बहुत अच्छी है। आप बताइए कुछ। हाँ जी, बहुत अच्छा स्कूल है, अच्छा पढ़ाती है, टीचर्स वगैरह सभी बहुत अच्छे in hot and copper sky. Mashallah. The body sun at noon light up above about the must did stand. एक ही special बच्चे, special खान, खान जी. जिंदाबाद. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सवाल मैं आपको सामने कहूँगा तवील खैर हाज़री के बाद आज मैं जो मौजूद हूँ यहाँ पर, ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक भीड़ है, लोग खड़े हुए हैं, ये लोग अपने बच्चों के इंतज़ार में हैं जो कि स्कूल से बाहर निकलेंगे और ये सारे लोग हैं जो कि इस तरह कहते हैं कि मामले में किसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई और राजनीति। और ये जो आज मैं मौजूद हूँ, मैं क्या कहूँ कि आपको मैं अंदर दिखाता हूँ कि किस तरह से आलम बीबी ट्रस्ट, किस तरह आलम यहाँ मौजूद है, तालीम की रोशनी लोगों के जो कि अपने बच्चों की तालीम को नहीं इस तरह अफोर्ड कर सकते उनको पढ़ा रहा है। तो आज मेरे एक वक्फे के बाद यहाँ से वीडियो करने का मकसद भी यही है कि मैं अपने देखने वालों से ये अपील करूँ कि वो अगर उन्हें लगता हो कि ये ट्रस्ट या ये तालीम का ये स्कूल जो है वो कोई नेकी का काम कर रहा है, तो आप आगे बढ़ के इनका साथ दें। तो आप अंदर चलते हैं। यहाँ पर जो मैंने यहाँ का सिलेबस देखा और यहाँ की पढ़ाई का निजाम देखा, मुझे बहुत ही एक हैरान कुल हैरत का एहसास हुआ। बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए बच्चों से मिलने के लिए। ये आलम बीबी ट्रस्ट स्कूल इस वक्त हमारे पास 700 बच्चों को बिला मुआवजा सारी तालीमी सहूलियात दे रहा है, जिसमें 550 हमारे कैंपस में हैं, 111 के करीब टेक्निकल कॉलेजेस में हैं और 60+ लाहौर के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। मकसद हमारा ये है कि हम इन बच्चों को रॉ फॉर्म में लें और फिर फिनिश फॉर्म में सोसाइटी को दें, जब ये चैरिटी लेने वाले नहीं बल्कि अपने जैसे एक बच्चे को पढ़ा के चैरिटी देने वाले बने। इनकी पोजीशन लेने से देने वाली करती है और ये इंडिपेंडेंटली अर्निंग करके अपना और अपने घर का अच्छा सिलसिला चला सकें। और दूसरा एलिमेंट ये है कि हम इनकी तरबियत करते हैं, क्योंकि इनके वालिदैन के पास वक्त नहीं है, ना उनके पास वो ओरिएंटेशन है। माहौल से ये सीखते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा मनफी चीज़ें हैं, तो स्कूल हमारा जो है वो एक प्लेटफॉर्म बचता है जहाँ उनकी तरबियत हो सकती है। तो हमारा जो विज़न है वो ये है कि हम यहाँ पर इनकी ऐसी तरबियत करें, क्योंकि हमारे पास तो रॉ फॉर्म में आते हैं, हमने लिखना है उनके ज़िलों कि ये इस दुनिया के महजब शहरी बन सकें। अगर हम अपनी नई नस्ल की तरबियत नहीं करेंगे घर में, स्कूल में, तो हमारे मुल्क में तालीम और इल्म तो आम होगा, बल्कि तालीम ही आम होगी, फिर आपको अच्छे इंसान नहीं मिलेंगे। तो मकसद ये है कि ये पाकिस्तान के मुफीद तामीरी शहरी बन सकें, अपने और अपने घर वालों का बोझ उठाएं और ये देने वाले बन जाएं। तो ये आपका पूरा जो ट्रस्ट है जिसमें यहाँ पर हम मौजूद हैं, आप लोगों ने कराए इस बारे में ये रूम और दूसरे क्लासेस वगैरह हम प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर का रूम है। प्रिंसिपल सारे उसको देखती है, करिकुलम और सिलेबस को, जो कोऑर्डिनेटर है वो को करिकुलर्स को देखती है, क्योंकि हमारा जो मकसद है तरबियत, उसके लिए वो को करिकुलर ऐसे डिज़ाइन। तो जैसे लेकिन बड़े बड़े स्कूल तो ऑफर आती होंगी, छोड़ के ट्रस्ट चलाने वाले और आप जितने एक्सपीरियंस और माशाल्लाह विजन वाले हैं, आप जानते हैं कि देना ही खुशी देता है। अगर आपके अंदर से आपका बर्तन खाली करते रहें आप, तो उसमें न्याम आता रहता है, लेकिन अगर उसको इकट्ठा कर लें तो या उसको वो ख़राब हो जाएगा, दूध हो जाएगा। तो देने का अमल जो है वो ऐसा है कि जब आप उसमें एक बार दाखिल हो जाए तो इतनी तशक्कुर मज़ा आता है कि फिर आपको लगता है कि बस बहुत ही तो आप लोगों का जो कार्यक्रम वगैरह है वो भी ऊपर होता है, बच्चे मेरे सामने मौजूद हैं और ये माशाल्लाह सेकेंडरी क्लास के हैं, 9th क्लास के हैं माशाल्लाह। हम लोग पंजाब टेक्स्ट इस क्लास में 9th क्लास में हम पंजाब टेक्स्ट बोर्ड को फॉलो करते हैं। इसकी दो बड़ी बात है, एक बात ये कि हमारा इख्तियार है अपनी ज़ुबान में इंसान बेहतर सीखता है और इंग्लिश जो है एज अ लैंग्वेज हम यहाँ पढ़ा रहे हैं कि आपको ये वैल्यू अपनी ज़ुबान में हिंदी आनी चाहिए, लेकिन आप अपनी ज़ुबान में पढ़ेंगे तो रटा नहीं होगा। जब आप दूसरी ज़ुबान लेके आते हैं तो बच्चा कॉन्सेप्ट जिससे क्लियर नहीं होते वो रटा लगाता है, क्योंकि ये जिन तरफ से आते हैं वहाँ ना कोई मिशन है ना कोई घर के और लोग हैं जिन्हें पढ़ाना है, उन्होंने जो कुछ करना है इंग्लिश में पढ़ना है। तो हम इनको अपनी ज़ुबान में पढ़ाएंगे ताकि इनके जहन में कॉन्सेप्ट बने, और इंग्लिश हम एज अ लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, उसका जो मटेरियल है वो हमने खुद तैयार किया है ताकि जब कॉन्सेप्ट हो ज़ुबान आती हो तो आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब ये सारे 9 के एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और मैं इन बच्चियों से भी बात करूँगा, कुछ इनकी जनरल नॉलेज के सवाल, कुछ जरूर आप साइंस के सवाल मैं इनसे करूँगा। मैं चाहूँगा कि पहले दूसरी क्लास से भी हम देखें ज़रा और फिर बच्चों से तफसीली होगा इस सेशन में बैठेंगे। तो यहाँ पे आपकी टीम कितने लोगों पर शामिल है? हमारे पास नॉन टीचिंग में 6 लोग हैं और 35 हमारे पास टीचिंग स्टाफ है, 5 लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और हमारी फूड शॉप है, उसकी तफसील मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। 2 लोग वहाँ पर हैं और हमारी हेल्थ फैसिलिटी है 2 लोग। ये हमारी क्लास 1 का एक सेक्शन है। वालेकुम अस्सलाम, इधर को सलाम करें। कैसे हैं आप? खुश हैं कि आज दुखी हैं? खुश हैं। How are you today? आज क्या हाल है आपका? दोनों जबानों में माशाल्लाह, ये तो बच्चे बहुत अच्छे बोल रहे हैं, सब बड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े नाम करेंगे इंशाल्लाह। इस उनका नाम इसी नस्ल ने रोशन करना है जो समझ के पढ़ रही है कि तालीम क्या होती है और साथ उसकी तरबियत। क्या नाम है आपका बेटा? आयशा सलीम। आयशा असलम, अच्छा आयशा, तो क्या बड़ी होके बनना है आपने? फौजी बनना है? अरे वाह क्या बात है। तो अभी क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या आ गया? अलीफ बे ABCD आ गया सारा, वाह। आपका क्या नाम है? साहिरा। ताहिरा, वाह भाई वाह। आपने क्या क्या पढ़ लिया? सब आता है सबक वगैरह? क्या बनना है बड़े होके? टीचर बनना है माशाल्लाह। किस जैसी टीचर बनना है? मैडम जैसी? हाँ आप यहाँ पे पढ़ाती आए ना, आपसे भी बात करें तो कैसा लगता है आपको जब आप यहाँ पढ़ा रही हैं बच्चों को? कुछ बच्चे जाहिर सी बात है कि एक तो होता है कि वो बच्चे जो अपने घरों में माँ बाप भी पढ़े लिखे होते हैं तो आप जो कुछ भी सबक सिखाते हैं तो वो पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो घरों में कोई नहीं है तो फिर हम इनकी तरबियत भी अच्छे से करते हैं और इनको पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। मतलब वो बच्चे को ऐसा सबक देते हैं कि जो क्लास में इनको याद हो जाए, घर जाके बस इनको रिवाइज करना पड़े ताकि रिस्पॉन्स इन बच्चों का कैसा है? रिस्पॉन्स माशाल्लाह बहुत अच्छा दे रहे हैं बच्चे। ये जो हाई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे क्या ये उनसे कम ज़हीन है? नहीं ये उनसे ज़्यादा ज़हीन है। जी बिल्कुल, और ये उनसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी शो कर रहा है। अच्छा बिल्कुल, वाह भाई वाह। तो अब मैं लड़कों में से कौन बताएगा कौन क्या बनना चाहता है? सबके सब? हाँ भाई क्या बनना है? फौजी? पुलिस? हाँ भाई कारी साहब बनना है? अरे वाह वाह। हाँ भाई फौजी? फौजी बहुत हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ भाई फौजी? हाँ भाई पुलिस, वाह। आपने डॉक्टर, चलो भाई। हाँ भाई हाँ भाई वाह बेहतरीन। और एयरफोर्स में कौन जाएगा? तो फिर एयरफोर्स में भी जाना है ना? अच्छा एयरफोर्स में जहाज उड़ाना है? क्या करते हैं एयरफोर्स में? एयरफोर्स में क्या करते हैं? जहाज उड़ाएंगी? हाँ बोलो, बिल्कुल उड़ाऊंगी, जो नहीं उड़ा सकते है ना, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। चलो हाँ आपने और भी बनना कुछ डॉक्टर के साथ साथ? दो चीज़ें, डॉक्टर भी बनना है और पहले क्या बताया था? पुलिस। डॉक्टर भी बनना है और पुलिस भी बनना है, ठीक है। यानी कि चोर को पकड़ते हुए जख्मी कर दिया तो खुद ही इलाज भी कर देंगे, ठीक है ना। चलो अच्छा बच्चों, हाँ आप बताओ। ये भी वेरी गुड, क्या बात है भाई माशाल्लाह। हाँ भाई वेरी गुड, जबरदस्त। तो दिल लगा के पढ़ना पड़ता है फिर उसके लिए। सारे सबक हमेशा अच्छी तरह से याद करना पड़ते हैं, कभी चीटिंग, कभी नकल, इस तरह की बात की तरफ नहीं जाना पड़ता, वरना फिर आप ना फौजी बन पाएंगे अच्छे, ना अच्छा पुलिस बन पाएंगे, ना अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा से मेहनत, बस खुद ही बनोगे सब कुछ। ये हमारी क्लास 1 का एक सेक्शन है। हमारी पॉलिसी ये है कि हम 20 से 25 बच्चे क्लास में रखेंगे ताकि टीचर जो है वो पूरी तवज्जो दे सके बच्चों को, और बच्चों के कमरे का एनवायरनमेंट भी अच्छा हो। तो ज़्यादा बच्चे होते हैं तो फिर हम सेक्शंस बना लेते हैं, तो ये क्लास 1 का एक सेक्शन है जो पढ़ रहे हैं। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल है, सब ठीक हैं? कैसी हो रही पढ़ाई? इधर से ही पठान, ये हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है और हर क्लास का रोज़ एक लाइब्रेरी का पीरियड होता है, ताकि ये जो सिलेबस की किताबें हैं उसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में जान सकें, पढ़ सकें, इनकी रीडिंग बेहतर हो, रीडिंग हैबिट डेवलप हो, किताब से मोहब्बत हो। और ये पढ़ी हुई चीज़ें इनकी क्लासरूम की पढ़ाई में भी काम आती हैं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट लर्निंग पे बिलीव रखते हैं, इसलिए हम को करिकुलर एक्टिविटीज़, लाइब्रेरी, ग्रुप वर्क एक्टिविटीज़ उनके थ्रू पढ़ाते हैं, ताकि इन्हें याद भी रहे और वो चीज़ जो इन्होंने पढ़ी है उसको प्रैक्टिकल करके उसमें प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डायग्नोज कर सके। रीडिंग अगर आपने इनके जीन्स में दाखिल कर दी तो इससे बड़ा तो आसान ही कोई नहीं होगा कि रीडर्स आर लीडर्स। बड़ी कोर वैल्यू है कि हमने किताब दोस्ती इन बच्चों के अंदर पैदा की। इन बच्चों से तो फिर ज़रा मैं भी बात करना चाहूँगा कि ये बच्चे पढ़ क्या क्या रहे हैं। माशाल्लाह, कोई केमिस्ट्री की बुक संभाला हुआ है तो कोई साइंस पढ़ रहा है। कैसे हैं आप लोग, सब ठीक हैं बच्चों? क्या पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ रही हैं आप? ज्योग्राफिया। तो ज्योग्राफिया में क्या पढ़ा, कुछ पाकिस्तान के ज्योग्राफिया के बारे में बताएं। ज्योग्राफिया में फिर क्या पढ़ा आपने? ज्योग्राफिया में ज़मीन की प्लेटों के बारे में पढ़ा, ज़मीन की प्लेटों को नीचे क्या है और ज़मीन पे हम कैसे खड़े रह सकते हैं, और ये ज़मीन जब घूम रही है तो हम गिरते क्यों नहीं है। ज़मीन के नीचे बहुत सी प्लेटें और दरारें मौजूद है जिनकी वजह से जो हम इस ज़मीन पर खड़े रहते हैं। और जब ज़मीन जो है वो ज़्यादातर गर्म हो जाती है तो वो फट जाती है एक साथ, जिसकी वजह से जंजले आते हैं। अंदर खोलता हुआ लावा है जी, और वो बाहर खारिज हो जाता है तमाम दरारों और शगुफों से। वेरी गुड, माशाल्लाह। क्लास से प्रमोट होके ये बच्ची आई है नॉर्मल क्लास में। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? मरियम मुनीर। माशाल्लाह, तो मरियम क्या पढ़ रही है? मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। कौन सी क्लास की बुक है? 8 क्लास में। वाह भाई वाह, तो क्या कुछ अभी पढ़ लिया इसमें? ये हमें अभी हमने लेसन पढ़ रहे हैं, ऑन द ओशन पढ़ रहे हैं 3 लेसन पे हम। तो जरा पढ़ के सुनाए ना कुछ। इसमें हमने पढ़ा है कि इसमें हम अभी रीडिंग कर रहे हैं, इसमें जो हमें वर्ड स्पिनिंग नहीं आते, नए हमें वर्ड स्पिनिंग मिलने तलाश करने में मदद मिलते हैं, और मीनिंग्स और रीडिंग करके करें। ऑल इन हॉट एंड कॉपर स्काई, द बॉडी सन एट नून, लाइट अप अबाउट द मस्ट डिड स्टैंड, नो बिगेन देन द मून, डे आफ्टर डे तो बुझाएं जरा। वाह 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 वाह, मरियम ने तो कमाल कर दिया भाई। मरियम तो इंशाल्लाह और चलें जी, ये बता रही हैं कि इनके वोकल का भी इशू था और इनके बाद उनकी बाकायदा वो थेरेपी करने के बाद। तो मरियम, आपके वालिदैन, आपके वालिद साहब क्या करते हैं बेटा? मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई अब। अच्छा, वो नहीं है, तो ये तो बहुत सहारा है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम ही बच्चे जो हैं वो मुश्किल हालात जो होते हैं उनसे हैं, लेकिन मुझे ये यकीन हो रहा है इन सब बच्चों को देख के कि ये अपने हालात को बदलेंगे सब इंशाल्लाह ताला। तालीम की जो रोशनी है वो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। ये प्रेप क्लास का एक सेक्शन है, और हमारा ये जो प्री स्कूल का कैंपस है जिसमें नर्सरी, प्रेप और 1 के बच्चे बैठते हैं, ये हर वक्त खुश रहते हैं, क्योंकि फरहान हमारी ख्वाहिश थी कि इन बच्चों का चाइल्डहुड हमने प्लेजेंट बनाना है, इनकी चाइल्डहुड है मेमोरीज़ बहुत खूबसूरत हों, और ये यहाँ स्कूल आएँ तो इनको खुशी से आएँ, इनको ये ना हो कि क्या मुसीबत है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये खुशी से स्कूल में आएँ, स्कूल में भी खुश रहें, और ये जो चाइल्डहुड है ये इनका बेस्ट टाइम हो। अच्छा, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये लोग रोते हुए आते होंगे स्कूल, हैं? रोते हुए तो नहीं आते? बार बार तो नहीं उठाती हैं, अम्मी उठ जाओ हैं? कौन रोता है? कोई भी नहीं। वाह भाई, बच्चों में ये मंगोल आई है उधर से, स्पेशल क्लास से तरबियत पाती है, अब ये नॉर्मल क्लास में बैठती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि इंक्लूसिव का ये है कि जो बच्चे इम्प्रूव करते जाएं वो यहाँ आएँ। और आप ये देखें कि हम ये टीचर्स को भी पता है, हमें भी, कि हमने कुछ वर्ड्स बैन किए हुए हैं। तुम नालायक हो, तुम नहीं कर सकते, तुम है तो आता जाता कुछ नहीं, तुम पढ़ोगे नहीं तो कामयाब नहीं होगे, ये सब चीज़ें बैन है। क्योंकि फॉर्मेटिंग फेज है, जो इनके दिमागों में हमने लिख दिया वो सारी उम्र रहेगा। हम इन्हें बताते हैं कि तुम अपना ख्वाब देखो और जितना बड़ी मर्जी देखो, क्योंकि जो देने वाला है उसकी कोई हद नहीं है। और अगर वो तुम्हारे ख्वाब के लिए तुम मेहनत करोगे ना खलूस से, तो असबाब बनेंगे, तुम वो बन जाओगे। और हम इन्हें कहते हैं आज नहीं होमवर्क किया, कोई बात नहीं कल कर लेंगे, आज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, गप्पे मार लेते हैं, तो अब हम हंसते हैं। तो बाद में पता चलता है, जिस बच्चे को हमने ये लिबर्टी दी थी ना कि चलो कोई नहीं फिर कर लेंगे, उसने बाद में कभी काम नहीं छोड़ा। सिर्फ ये मोहब्बत और कॉन्फिडेंस कि आज नहीं कर, दिल कर रहा तो कोई बात नहीं। तो पढ़ाई मुसल्लत नहीं, यहाँ बच्चों को बच्चा समझा जाए, बच्चों को बच्चा समझा जाए और उनकी चाइल्डहुड की जो एक ब्यूटी है वो डैमेज ना करे स्कूल। बहुत अच्छा आपका माशाल्लाह। ठीक ठीक, ये तो सारी गुड़ियाएं मुझे एक जैसी लग रही हैं। हाँ भाई बच्चों, सब खुश खुश स्कूल आए हैं या रोते हुए आते हैं? ठीक, तो ये सारे बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छा। हम तो आपके इस स्कूल को देख के यकीन करें कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आया आपके लिए, और अफसोस भी हो रहा है कि पहले क्यों नहीं। कंट्रोल एग्जामिनेशन थी स्कूल में तरबेला में, और वो वहाँ से रिटायर्ड हुई, तो उन्हें स्कूल का पता चला और उनका विजन भी वही था जो हमारा था, तो उन्होंने हमें वॉलंटरीली ज्वाइन कर लिया। अब हमारा जो प्री कैंपस है उसकी वो इंचार्ज हैं, और जो हमारी बच्चों को पढ़ाने की फिलॉसफी है उसको वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो अगर वो कभी ना आ सके तो उनकी जगह उनकी बेटी से कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मुश्किल तो नहीं लगता बच्चों को समझाना? मुश्किल होता है? नहीं नहीं, बच्चों को समझाना तो बल्कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है, क्योंकि बच्चे तो सबसे ज़्यादा, यानी जो लर्निंग में नंबर 1 पे वो बच्चे ही होते हैं, सबसे जल्दी बच्चे ही पिक करते हैं। जी, अल्लाह ताला आप लोगों के इस तमाम पैशन को बरकरार रखे और इसको मज़ीद, इसको महमीज़ करे, इसमें और शिद्दत दे आप लोगों को। ये नर्सरी का दूसरा सेक्शन है। चले कोई पोएम वगैरह ही सुना दें सारे बच्चे मिलके। पोएम कौन सी आप पढ़े आज? पोएम सुनाओ बेटा कोई भी आप लोगों ने साथ करना। जब सूरज छुप जाता है, चांद निकल कर आता है, दादी अम्मा कहती हैं, चांद पे परियां रहती हैं, जब बच्चे सो जाते हैं परियां नीचे आती हैं, परियां नीचे आती हैं, अपने पर फैलाती हैं, अपने पर फैलाती हैं, मीठे मीठे गीत सुनाती हैं। क्लैपिंग, चलो साहब मेरे क्लैपिंग करो। ये स्पेशल बच्चों की क्लास है और इसमें 35 स्टूडेंट्स हैं, ये इसी कम्युनिटी से आते हैं। इनके लिए हमारा मकसद ये है कि एक तो हम इनको कुछ स्किल सिखाएं ताकि ये अर्निंग करके अपना खर्चा खुद उठा सकें, ऐसे घरों में ये बच्चे बहुत ज़्यादा समझे जाते हैं। दूसरा, हम इनको खाना खाना, वॉशरूम इस्तेमाल करना, अपनी फ़िज़िकल मेंटेनेंस और नीटनेस जो है उसके ऊपर तरबियत देते हैं ताकि ये किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। और इन्हीं में से कुछ बच्चे तरबियत पा के अब नॉर्मल क्लासेस में भी पढ़ रहे हैं। तो अभी कोरोना ख़त्म होने के बाद जब स्कूल खुला है तो बच्चे आहिस्ते आहिस्ते आ रहे हैं। उनको कुछ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ को थोड़ा सा खौफ है क्योंकि ये ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते, इनका इम्यून सिस्टम। तो अभी ये हैं हमारे पास और ये जान है हमारे स्कूल की। और अगर आप चाहें तो इनसे भी कोई बेटे एक मिनट का बच्चा आप भी करो। अंडे से निकला, पानी में फिसला, अबू ने पकड़ा, भैया ने काटा, अम्मी ने पकाया, हम सब ने खाया, बहुत मज़ा आया। हाँ ठीक है, ये इसके हमारा जो है ना 7-8 साल से आ रही है और अब बेहतर है काफ़ी। और कोई नजर देखो बच्चों हाथी आया। नहीं ये आपने भी करना है साथ। जी बेटे आप भी साथ लाओ, जैसे आप लोग भी सारे करो जैसे मिस करती है ना मेरे बच्चों ने वैसे करना है। आप मुँह से हाथ निकालो, आपने भी करना है मेरी जान, आपने भी करना है ठीक है। देखो बच्चों हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया, मोटी मोटी आंखों वाला, भरे भरे कानों वाला, सून से पानी पीता है, चिड़िया घर में रहता है, सबको बाय बाय करता है। थैंक यू। क्लैपिंग करो। अरे वाह मायरा का नाम क्या? मायरा, अरे वाह 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 जबरदस्त। क्या नाम है आपका? अरे वाह, कौन सी क्लास में आप? 7 में? इतनी जल्दी कैसे? 7 में कैसे पहुंच गई इतनी जल्दी? वाह जबरदस्त, बेहतरीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह भाई वाह। जी हमारी आपा जी हैं, इनकी मौजूदगी के बगैर हमारे दरवाजे कोई नहीं है। अच्छा जी, बहुत अच्छा। आप माशाल्लाह, क्या कहेंगी आप? आपको अच्छा लगता है? ये तो बड़ी अच्छी आपका और मजीद तारुफ कराएँ। और ये बच्चे जो हैं इन्होंने अब आगे कॉलेज भी जाना है, मैट्रिक हो गया इनका, ठीक है। तो और यहीं से इन्होंने और चूँकि आलम बीबी का जो विजन है वो ये कि हमने फिनिश फॉर्म तक साथ चलना है, तो अब मैट्रिक से यहाँ से तो फारिग हो गए हैं। अब ये कॉलेजेस किस में जाएंगे, टेक्निकल में या फिर लड़कियों का, लड़कों का, उसका एडमिशन, फिर हमने चूँकि सपोर्ट भी करना होता है, फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स, तो उसको उस प्रोजेक्ट को ये दोनों मिलकर देख रहे हैं। और आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे अच्छा इतना काम करने वाले, जज्बे वाले लोग मौजूद हैं। तो बच्चों आप लोगों ने फिर अब मैट्रिक के बाद क्या सोचा आगे बढ़ने का, और यहाँ तक मैट्रिक तक का सफ़र कैसा रहा आपका? क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शौकत है, मैं आलम बीबी स्कूल में शहीद से पढ़ता रहा हूँ और हमने अलहमदुलिल्लाह इंटरमीडिएट गवर्नमेंट कॉलेज में सिविल लाइन लाहौर से पास किया। आलम बीबी स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया और आगे भी आलम बीबी स्कूल ने मेरे तमाम अखराजात उठाए, तलीम कराया, क्योंकि हमारे घर मतलब कि हम स्पोर्ट नहीं कर सकते तो आलम बीबी स्कूल ने हमारे तमाम अखराजात उठाए हैं। और अब मैंने इंटरमीडिएट आईकॉम आलावल और पास कर लिया है और आगे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है BBA के लिए और आलम बीबी स्कूल में स्पोर्ट्स है। और उसके लिए बहुत अच्छे। आप बताएं, ये साइंटिस्ट बनेगा। वेरी गुड। तो अभी आपने मैट्रिक लेके और आलम बीबी स्कूल में मुझे आपसी कॉलेज में एडमिशन लेके दिया और एडमिशन फी भी मेरी अलहमदुलिल्लाह पे कर दिया। और मेरा नॉटिकल इंजीनियर पढ़ने का ख्वाब और आलम बीबी स्कूल में उसको पढ़ने के लिए कॉमर्स कोर्स कर रहा हूँ। साइंस में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा ज़्यादा? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एरोनॉटिकल इंजीनियर में मतलब ये है कि मैथ्स और अच्छा गुड माशाल्लाह। और ये जितनी भी साइंस मेलर एग्जीबिशंस होती हैं वहाँ कुछ ना कुछ बना के लेके जाता है। वेरी गुड। साइंस तो मेरा खुद अपना भी पैशन रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर मजीद आपके साथ ही बात करेंगे। आप बच्चियों में से बताएं क्या बनना चाहती है, क्या ख्वाब हैं, क्या सोचा है? बहुत स्टडी करनी है और साथ में वहाँ पे जॉब करेंगे इंशाअल्लाह। और तो अब आप लोगों का आगे खुद इस जो आपने आलम बीबी ट्रस्ट या जो भी आपका कुदरत ने, अल्लाह ने आप पे मेहरबानी की कि आपने उन तमाम बच्चों से हट के पढ़ भी लिया, तो आप लोग पलटाएंगे वापस इस मामले को? क्या ये मैं आगे जाके ये तो नहीं कि फिर अपनी ज़िंदगी में जॉब्स अच्छी लग गई और उसके बाद फिर भूल गए? हम अपने जैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। हालात सबके बदलने हैं ना। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिया है। स्कूल के लिए जो भी मदद करते हैं ना आप, तो इस वास्ते अल्लाह तुहानू होर ज़्यादा तौफीक देवे तुसी करन दी। तुसी करो। मेरे बच्चे बहुत पढ़ते ने, बहुत स्कूल वाले तू सहूलतां देंदे ने, किताबां, शूज़, वर्दी वगैरह सारा कुछ, जर्सियां। तो सारा कुछ बच्चों ने मिलता है। तो अल्लाह सुकून आबाद रखे तो अल्लाह उन्होंने भी जिंदगी देवे, तंदुरुस्ती देवे, इस तरह खिदमत करते रहन जो साढ़े वीर भरा करते हैं। आप खुद इनसे बात करो, आप इनसे ही बोलो, खवातीन सब बताएं क्या कहेंगे आप स्कूल के लिए, क्या कहोगे? खुश हो आप लोग, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा स्कूल है, यूनिफॉर्म भी मिलता है कि जो आपके हालात बदलेंगे बच्चे पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी अपील ये है हमारे बच्चों के लिए मदद की जाए। बहुत अच्छा। आप क्या करते हैं, आपके बच्चे कितने यहाँ पढ़ते हैं? एक ही स्पेशल बच्चे, स्पेशल। हाँ जी हाँ जी, और अच्छा पढ़ रहा है, मेरी ये दुआ है माशाल्लाह। यानी कि स्पेशल बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है? स्पेशल बच्चे जी हमारे पास 35 स्पेशल बच्चे हैं। हम उनको अपने नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाते हैं, खाना खिलाते हैं, असेंबली होती है, ताकि नॉर्मल बच्चों के साथ रह के ये बच्चे भी अपने आप को इम्प्रूव और नॉर्मल फील करें, और साथ हम उनको कोई ना कोई स्किल सिखा रहे हैं ताकि वो अपनी अर्निंग कर सकें और अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है उसकी तरबियत कर रहे हैं। और हमारे 7 बच्चे जो कि स्लो लर्नर थे वो इस स्पेशल क्लास से प्रमोट होकर नॉर्मल बच्चों में पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों 7 में से एक ने पोजीशन भी ली, अपनी क्लास में फर्स्ट आया। तो अगर आप ये जो स्पेशल बच्चे हैं जो कि हमारे बड़े प्यारे बच्चे हैं, इनको ऑन करें और इनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाएं। ये जी देखें, ये जो भी जगह है ये कोई डिफेंस नहीं है। मैं अपने देखने वालों को यही कहूँगा कि ये कोई डिफेंस नहीं है, ये कोई ऐसे इलाके नहीं है, लेकिन इन इलाकों में इन जगहों पे ये लोग बड़े मुजाहिद हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो एक तालीमी जहाद हमारे मुल्क में लाने के लिए कर रहे हैं, तो ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि जो देखने वाले हैं, जो हम इसको आगे बढ़ा सकें, फैला सकें। तो ऐसे कई ख़ानदानों के हालात इस तरह समझेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि स्पेशल चाइल्ड के लिए, क्योंकि ये तो बहुत महंगा है। अच्छे कमाने वाले भी जो लोग होते हैं, अगर उनका बच्चा कोई स्पेशल चाइल्ड हो तो उनको पता चल जाता है कि वो कैसे उसको कुछ नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाएं। हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं और इनको तो ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत है, इसलिए हम इनको लेकर आए हैं। और सिर्फ नॉर्मल बच्चों के साथ रहने और पढ़ने की वजह से उनके बिहेवियर में, लर्निंग में, पर्सनैलिटी में इतना फ़र्क आया है कि अगर आप कहीं से उसका ट्रीटमेंट कराते तो इतना फ़र्क ना आता। तो ज़रूरत है कि माशरे के अंदर इंक्लूजन हो, किसी भी तरह का कोई इंसान जो आपसे मुख्तलिफ है आप उसको अपने अंदर जगह दें, आपके जहन में इतनी कुशादगी हो कि आप सब लोगों को अपने साथ शामिल करें। जो आपके शौहर हैं, आपके बच्चे के हैं, वो क्या करते हैं? वो ना मिस्त्रियों के पीछे। तो अभी आप फिर आप यकीनन आपको इत्मीनान तो होता होगा। हाँ जी हाँ जी, बहुत आगे बेहतर हो गया। बहुत शुक्रिया आप सबका।